नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमने रू वाली मात्रा की थी, राइट? हमने कौन कौन सी मात्रा लर्न कर ली है, कौन कौन से शब्द हमने रीड करना सीख लिया है, एक बार वो भी देख लेते हैं, राइट? और लास्ट में हमने रू वाली मात्रा थी वो सीखी थी। आज हम लोग ए वाली मात्रा सीखेंगे, राइट? तो ए वाली मात्रा है, उसका सिंबल है कि हमें ऊपर एक मात्रा लगानी है। क्या लगानी है? ऊपर एक मात्रा, राइट? देखो, सबसे पहले तो क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले अ, यानी कि कोई भी मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाला शब्द, राइट? अ में कोई मात्रा होती नहीं है, राइट? उसके बाद होता है आ। क्या होता है? आ। तो आ में कौन सी मात्रा होती है? उसके बाद में स्टैंडिंग लाइन होती है, ओके? इसमें नो मात्रा, इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती अ वाले में, आ के अंदर स्टैंडिंग लाइन होती है, राइट? और फिर आता है ई। कौन सी ई आती है? छोटी ई, राइट? उसकी मात्रा होती है यू, राइट? उसके बाद आता है बड़ी ई। क्या आता है? बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा इस तरफ होती है, राइट? ये हमें खास याद रखना है। उसके बाद आता है, क्या आता है? ऊ। क्या आता है? ऊ। तो ऊ की मात्रा यू होती है, राइट? छोटे ऊ की मात्रा यू होती है। फिर उसके बाद बड़ा ऊ। तो ऊ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे, यहाँ पर ऐसा झुका हुआ, तो इसकी भी मात्रा झुकी हुई, राइट? अ में कोई भी मात्रा नहीं, आ के अंदर स्टैंडिंग लाइन, ई के अंदर इस तरफ का मोड़, और बड़ी ई के अंदर ऐसे। इसको हस्व कहते हैं और इसको दीर्घ कहते हैं, राइट? हस्व उ दीर्घ उ। और उसके बाद क्या आया? हमने क्या किया था लास्ट सेशन में? हमने रू। तो रू की मात्रा कैसे होती है? ऐसे, डन। इसके शब्द के नीचे ऐसे। फिर आज हम सीखेंगे ए वाली मात्रा। क्या सीखेंगे हम लोग? ए वाली मात्रा। उसमें क्या होता है? ऊपर मात्रा होती है, एक मात्रा ऊपर होती है, राइट? अ में कोई भी नहीं, आ में स्टैंडिंग लाइन, छोटी ई में इस तरफ, बड़ी ई की ये चिन्ह है, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का इस तरफ, रू का इस तरफ, और ए का ऊपर एक मात्रा, राइट? तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या दिया है। हमें पूरी जो हमारी वर्णमाला है क ख ग घ, राइट, उन सबके ऊपर हमें मात्रा लगानी है। देखो, हमें जो ड्रेसिंग दिया है ड्रेसिंग करने के लिए, उसमें सिर्फ हमें के चे टे ते पे से, उसको बोलते कैसे हैं? अगर इस तरीके की मात्रा है तो हम उसको कु खु गु ऐसे बोलते हैं। इस तरीके की मात्रा है, अगर का के अंदर इस तरह, क के अंदर इस तरीके की मात्रा है तो हम का खा गा घा चा छा, राइट? अगर क के अंदर इस तरीके से मात्रा है तो की खी गी घी, और क के अंदर या तो पूरी वर्णमाला में कहीं भी इस तरीके से मात्रा है तो भी की खी गी, जो ये बड़ी मात्रा होती है वो थोड़ी लंबाई जाती है, राइट? की खी घी घी, राइट? उसके बाद मैंने अभी आपको कहा कि क के नीचे अगर ऐसा हो, कोई भी वर्णमाला के नीचे जा, तो कु खु गु घु, राइट? और उसी तरीके से बड़े ऊ में भी ऐसी मात्रा होती है तो कु खु गु घु, थोड़ा उसमें लंबाया जाता है इस तरीके से, राइट? वो ये दीर्घ है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था? रू की मात्रा, तो उसमें क्रू ख्रु ग्रु, राइट? फिर आज हम सीखेंगे ऊपर मात्रा वाला, तो उसमें हमें क्या करना है? तो उसमें हमें के खे गे घे चे छे जे, राइट? वैसे ही पूरी हमारी वर्णमाला है, उस पूरी वर्णमाला में हमें सबके ऊपर क्या लगाना है? एक मात्रा लगानी है, एक मात्रा, और फिर उसको बोलना है के खे गे, राइट? अगर ग के ऊपर मात्रा लगेगी तो क्या बोलेंगे हम लोग? गे। घ के अंदर मात्रा लगेगी तो क्या बोलेंगे? घे। झ के अंदर मात्रा लगेगी तो क्या कहेंगे? चे। ठ के अंदर मात्रा लगेगी तो ठे, राइट? न के अंदर मात्रा लगेगी तो
के खे गे घे राइट, ये शब्द अगर आपको ये मात्रा आ जाएगी तो बहुत सारे शब्द आपको रीड करने आ जाएंगे राइट। तो देखो चलो सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रेसिंग करना है। कौन कौन से शब्द हमें दिए, सिर्फ हमें 6 शब्द दिए राइट, पर हम लोग हमारी सी डब्ल्यू में ये पूरे जो मात्रा का वर्णमाला है वो पूरा लिखेंगे राइट। हम लोग के खे गे पूरी वर्णमाला को हम मात्रा लगा के हम हमारे सी डब्ल्यू में लिखते हैं राइट। फिर देखो सबसे पहले हम लोगों को के छे टे ते पे और से इन सबको क्या करना है, ट्रेसिंग करना है राइट, ताकि आपको को ऊपर मात्रा लगानी आ जाए राइट। नाउ देखो नेक्स्ट, पढ़ो और समझो। देखो सबसे पहले तो हम लोग चित्र देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सेब का चित्र है, ये सवेरा का चित्र है, ये पेड़ का चित्र है, ये और ये जलेबी का चित्र है राइट। चित्र हम देखते हैं तो हम समझ में आ जाता है, बट आज हम लोगों ने एक नई मात्रा सीखी है तो हम नई मात्रा के शब्द सीखेंगे राइट। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, से 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 प्लस ब, तो इन दोनों को प्लस किया यानी कि क्या करना होता है, जोड़ना, तो हम उसको जोड़ेंगे से ब, क्या करेंगे से ब राइट। फिर उसके बाद क्या है, देखो स स प्लस वे प्लस रा, तो उन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये रीड करना आ गया हमें, व के ऊपर एक मात्रा होगी तो क्या होगा वे, स के ऊपर मात्रा है तो से, तो इसका क्या होगा स वे रा स वे रा राइट। उसके बाद क्या है, ज प्लस ले प्लस बी, ज ले बी क्या हुआ, ज ले बी राइट। तीनों को हमने साथ में कर दिया, ज ले बी, प्लस को निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या है, पे पे प्लस ड, ये नुक्ता वाला ड है राइट, उस पर थोड़ा जोर दिया जाता है, पे ड पे ड राइट, पे ड राइट। सेम सवेरा जलेबी पेड़, हो गए ये हमारे शब्द राइट। ये जो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें बीच में से प्लस निकालना है और फिर हमें उसको साथ में लेके हमें उसको ऊपर वाली जो मात्रा है उसको रीड करने की कोशिश करनी है राइट। देखो चलो अभी हमें शब्द दिए हैं राइट, उन शब्द को हम लोग सी डब्ल्यू में तो लिखेंगे ही, बट हम लोग उसको पहले रीड करेंगे राइट। देखो चलो मैं रीड करती हूँ, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ रीड करना है पेज नंबर 35 वाले शब्द, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ रीड करना है। खेल खेल, रेत रेत, केला केला, मेहमान। देखो हमने जितनी मात्रा सीखी ना उसमें से ही वर्ड है राइट, में ह मा न, तेल तेल, भेड़ भेड़ यानी भेड़ बकरिया होती है राइट, वो भेड़, मेला मेला, रेल गाड़ी रेल गाड़ी, रेल बेटा, करेला करेला, लाल टेन लाल टेन यानी कि फानस, आप गुजराती में फानस लाइट हुई थी एटले फानस नो उपयोग करिए छे राइट, तो सो फानस को क्या कहते हैं, लाल टेन। पेट स्टमक हमारा, पेट पेड़ा पेड़ा, सहेली सहेली, थाने दार
केला, मेहमान, तेल, भेड़, मेला, रेलगाड़ी, रेल, बेटा, करेला, लालटेन, पेट, पेड़ा, सहेली, थानेदार, राइट। तो ये थे हमारे ए मात्रा वाले शब्द। कौन से शब्द? एक ही मात्रा वाले, राइट। नाउ अभी हम उसका लेसन करेंगे पेज नंबर 36 पर। हमने जो ए वाली मात्रा रीड करनी आ गई है, ई वाली आ गई है, ऊ वाली आ गई है, उन सबसे जुड़ा हुआ एक लेसन है। तो अभी हम लोग वो रीड करेंगे, रीड करेंगे और उसके एक्सरसाइज है वो तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलो पेज नंबर 36 निकालो सभी। पेज नंबर 36 पर रेत का खेल, रेल का खेल, रेल यानी हमारी छुक गाड़ी, उसका खेल। जब हम लोग छोटे थे, तो अभी तो आप छोटे ही है राइट, तो हम लोग ऐसे खेल खेलते हैं ना, हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ के, देखो हमें कैसे बताया, वैसे हम एक दूसरे के साथ जॉइंट होके हम लोग क्या बनाते हैं, रेलगाड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेलगाड़ी, और ठुक 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 करते हैं राइट। देखो ये तो सबका फेमस खेल है राइट, सभी क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं शादी में भी, सभी को ऐसा करते हैं राइट, शादी में भी सभी लोग ऐसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके सभी डांस करते हैं रेल बना के, देखा है सभी ने, और आप लोग तो करते भी होंगे ऐसे खेल राइट। तो चलो रेल का खेल, रेल का खेल हमारे चैप्टर का नाम है। देखो ये चैप्टर है ना, वो खास ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि उसके अनुसार ही हमारा अभ्यास होता है, उसके अनुसार ही हमारी एक्सरसाइज होती है, छोटे बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं, छोटी छोटी ब्लैंक्स होती है राइट। चलो तो रीड करें। नेहा और रमेश खेत गए, नेहा और रमेश खेत गए राइट, गए, ये तो है उसमें स्वर दिया है टोटल डायरेक्ट हमें, खेत के पास बगीचा था, खेत के पास बगीचा था, एक खेत था और उसके पास क्या था, बगीचा। कौन कौन गए? नेहा और रमेश, नेहा और रमेश खेत में गए, कहां पर गए, खेत में यानी कि फार्म में, खेत के पास क्या था, बगीचा था, क्या था, बगीचा। वह रहा केले का पेड़ दिखा रहा है, देखो वह रहा केले का पेड़, किसका पेड़, केले का, बनाना का राइट। यह रहा सेब का पेड़, सेब यानी एप्पल, यह रहा सेब का पेड़, वह रहा केले का पेड़ और यह रहा सेब का पेड़। देखो थोड़ा दूर होता है तो वह कहते हैं और नजदीक होता है इसको यह कहते हैं राइट। तभी सुदेश और रेखा भी आ गए, कौन आया, देखो नेहा और रमेश तो थे ही, फिर और कौन आया, सुदेश और रेखा, कौन आया, सुदेश और रेखा भी आ गए। सबने खूब केले और सेब खाए, सबने खूब केले और सेब खाए, फिर शुरू हुआ रेल का खेल, फिर शुरू हुआ रेल का खेल। सभी साथ में हो गए, नेहा, रमेश, सुदेश और रेखा, सभी अपने फ्रेंड साथ में हो गए और फिर सभी ने खूब केले खाए और सभी ने खूब क्या किया, सेब खाया, और फिर उन्होंने अपना खेल शुरू किया, कैसा खेल, रेल का खेल, कैसा खेल, रेल का। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा,
छुक 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 छुक। देखो हमने कहा था ना ट्रेन कैसे चलती है, छुक 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 छुक, राइट। अब भी ऐसी आवाज निकालते हैं ना घर में जब खेलते हैं तो ट्रेन 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 ट्रेन, राइट। तो सबने क्या किया, सबने एक दूसरे के साथ हाथ ज्वाइन कर लिए, राइट। देखो हमें कैसे बताया है वैसे ही, और सभी चुप 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 करने लगे। रेल का खेल था बड़ा मजेदार, रेल का खेल था बड़ा मजेदार, राइट। रेल का खेल था वो कैसा था, एकदम बड़ा मजेदार था। कैसा था, बड़ा मजेदार। देखो क्या क्या है, नेहा और रमेश खेत गए। पूरा वापस एक बार रिवाइज कर रही हूँ, पूरा एक बार मैं रीड कर रही हूँ बिना रुके, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ रीड करना है। देखो सबसे पहले तो मैं रीड करने की प्रैक्टिस होगी, हम उसको बोलना सीखेंगे बार बार, तो हमें लिखना आ जाएगा आराम से, राइट। कोई भी चीजें ना हो जो आप लोग उसको बार बार प्रोनाउंस करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो हम उसको आसानी से हम उसको लिख भी सकते हैं, पर अगर हमें बोलना ही नहीं आता तो हम उसको लिख सकते नहीं है, राइट। देखो तो अभी हम वापस हम लोग इसको रीड कर देंगे, सबको पूरा ध्यान देना है। रेल का खेल, नेहा और रमेश खेत गए, खेत के पास बगीचा था, वह रहा केले का पेड़, यह रहा सेब का पेड़। तभी सुदेश और रेखा भी आ गए, सबने यानी कि सबने साथ में मिलके सबने खूब केले और सेब खाए, सबने खूब केले और सेब खाए। नेहा, रमेश, सुदेश और रेखा सभी साथ में हो गए, फिर सभी ने खूब केले खाए, खूब सेब खाए, फिर शुरू हुआ रेल का खेल। सभी तो पहले खेत में गए, फिर सभी ने खूब खाया और फिर हम लोग खेलने लगे, राइट। फिर शुरू हुआ रेल का खेल, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। एक दूसरे के हाथ पकड़े बिना रेल बनती है, नहीं बनती। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारी रेल नहीं बनती, पर हम लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, या तो यहाँ पर शोल्डर पर हाथ रखेंगे या तो फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, तो भी रेल बनती है, राइट राइट। सभी ऐसा खेल खेलते हैं, सबको इस खेल के बारे में पता ही है। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, चुक 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 चुक। फिर सभी ने क्या किया, रेल की आवाज निकाली, चुक 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 चुक, राइट। हम भी देखो रेल रेल खेलते हैं तो हम लोग इसे बिना आवाज के खेलते हैं, ऐसे सिर्फ गोल गोल नहीं घूमते, हम साथ में उसकी आवाज भी निकालते हैं। रेल का खेल था बड़ा मजेदार, रेल का खेल कैसा था, बड़ा मजेदार, इनकी एकदम मस्त था। देखो सभी को है ना वो खेल होते हैं वो कैसे लगते हैं, एकदम अच्छे ही लगते हैं, राइट। बड़े मजेदार लगते हैं खेल सबको, तो कोई भी खेल खेलते हैं सबको आनंद ही आता है, राइट। इसमें तो खासकर जब हम हमारे सारे फ्रेंड्स होते हैं तो खासकर हम लोग ऐसा खेल खेलते हैं। मैंने अभी भी बोला आप लोग शादी में भी जब ये सॉन्ग बजता है तो सभी एक दूसरे के साथ ऐसे रेल बनाते हैं, राइट। रेल के बारे में किसी को पता है कुछ, रेल में तो कई लोगों ने सभी लोगों ने सफर किया होता है, राइट। रेल के बारे में बात करें हम लोग तो रेलगाड़ी में क्या होता है कि एक तो वो देखो फटाफट डिस्टेंस कर जो उसका होता है उसको फटाफट कवर कर लेती है, राइट। और अगर हम बस में जाएंगे तो उसमें थोड़े से कम ही मुसाफिर 50 या 60 लोग ही जा सकते हैं, पर ट्रेन से सारे कई कितने सारे लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, राइट। रेल का प्रॉफिट एक तो ये है कि एक साथ कई लोग उसमें मुसाफरी कर सकते है, और खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि रेलगाड़ी के साथ मालगाड़ी भी आती है, राइट। तो उसमें भी आसानी रहती है कि एक साथ बहुत सारे माल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, राइट। बड़ी बड़ी फोर व्हील्स, बड़े बड़े, मैंने तो देखा कि एनिमल्स भी होते हैं कई ऐसे, तो उसको भी उसमें ट्रेन में लाया जाता है, राइट। और मालगाड़ी में तो हम लोग देखते हैं कि फिर ऑयल है, पेट्रोल है, या तो फिर कोई ऐसा खनिज है
किसी भी कोई भी चीज है उसको बहुत सारी चीज है। तो देखो हम ट्रक से करेंगे उसका उसका हम ट्रक से कुछ एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा हार्ड लगेगा, राइट। उसको ले जाने में वक्त लगेगा। एक ट्रक की जगह हमें 10 ट्रक चाहिए, पर उसकी जगह हम ट्रेन लेते हैं तो ट्रेन में 10-12 से भी ज्यादा बोगिया होती है, राइट, जो डिब्बे होते हैं ना, राइट। तो उसमें एक साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और खासकर मैंने कहा कि हम लोग मुसाफिर भी हम है, तो हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। उसके अंदर सभी सुविधाएं होती है तो जिसकी वजह से वो भी सबको आसानी रहती है। देखो हम बस में जाते हैं तो उसमें ऐसी सुविधा नहीं होती, टॉयलेट और वो सब कुछ, पर रेल में सब कुछ होता है, राइट। तो रेल एक वो भी हमारा प्लस पॉइंट है कि रेल के दौरान हम लोग हमारी कुछ जरूरतें हैं हम उसको पूरा कर सकते हैं, राइट। हमें उसके लिए किसी को रुकना नहीं पड़ता। अगर हम हमारी खुद की प्राइवेट कार होगी तो हमें कुछ करना है या कुछ काम है तो हम लोगों को स्टॉप करना पड़ता है। रेल में अगर हम टॉयलेट है, वॉश बेसिन होता है कि हम लोग ब्रश और वह सब कुछ कर सकते हैं, तो वो सब कुछ सुविधाएं उसमें होती है, राइट। और रेल के बारे में सभी ने रेल में मुसाफिरी की है, राइट, यानी कि सफर किया ही है, राइट, सभी ने। हम लोग तो मुसाफिर है पर हम लोगों ने सभी ने रेल में सफर किया ही है, राइट। रेल का सफर एकदम सुहाना होता है और जब वो पहाड़ों के बीच से और खेतों के बीच से निकलती है तो उसका एक आनंद ही अलग होता है। सबको एक बार उसको उठाना ही चाहिए ऐसा आनंद, राइट। तो ये थी रेल की बातें, रेल का खेल। तो हमने इसमें कौन कौन से लोग थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। नेहा, रमेश, सुदेश और रेखा, राइट। सभी ने केला और सेब खाए, फिर सभी ने रेल के खेल किए, राइट। तो ये चैप्टर तक हम लोग रखेंगे। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग ना इसके अभ्यास भी करेंगे और हमारी अभ्यास पुस्तिका भी करेंगे, राइट। यहाँ तक हम लोग रखते हैं, राइट। और खास कर यार क्या रखना है हम लोगों को कि हमें ऊपर मात्रा लगानी है। देखो हमने कैसे किया था, क के ऊपर अगर हमें मात्रा लगे तो के, ख के ऊपर मात्रा लगे खे, ग के ऊपर मात्रा लगे तो गे, राइट, के खे गे, डन। तो इस तरीके से इस मात्रा को हमें रीड करना सीखना है, वो हमें भूलना नहीं है। हमने कितनी मात्रा की थी वो भी एक बार रिवाइज कर लिया और उसको कैसे रीड करते हैं वो भी एक बार रिवाइज कर लिया, ओके। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका अभ्यास करेंगे, ओके। इस सेशन में आप लोगों को सीन ब्रू में सिर्फ इसके शब्दार्थ लिखने हैं और क्या करना है इसके जो शब्दार्थ है वो, और हमारा के खे गे ये पूरी वर्णमाला है उसको हमें मात्रा लगा के उसको रीड करना है, ओके। नाम हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।